तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बैटरी के बारे में बताने वाला हूं। हमारा मार्केट में 1.2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के अंदर जो भी सारे रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल बैटरी मिलता है उनमें से कौन सा बैटरी कितना प्राइस का होता है और वो बैटरी आपको कहां पर मिलेगी, आप उसको कैसे आसानी से खरीद सकते हो और वो सारे बैटरी किस किस काम में लगते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर जितने भी सारे बैटरी देख रहे हैं ये सभी बैटरी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिलता है आप वहां से ये सारे बैटरी को खरीद सकते हो। तो सबसे पहले हम कम वोल्टेज की बैटरी से शुरू करते हैं। ये हमारा 1.2 वोल्ट की बैटरी है और 600 मिली एम्पियर इसका कैपेसिटी होता है। ये हमारा रिचार्जेबल बैटरी है, अगर इसका चार्ज खत्म हो जाता है तो आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हो। और देख लीजिए ये जो टर्मिनल देख रहे हैं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है यानी कि प्लस, और ये इसका नेगेटिव यानी कि माइनस। और ये बैटरी हमारा ज़्यादातर ट्रिमर में देखने को मिलता है, ये हमारा ट्रिमर में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद देख लीजिए ये मैंने एक छोटा सा बैटरी ले रहा हूँ, ये हमारा 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये बहुत ही छोटा सा बैटरी है, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो यानी कि अगर इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है तो आप इसको फेंकना पड़ेगा। ये हमारा यूज एंड थ्रो बैटरी है, ये जो ऊपर की हिस्सा देख रहे हैं ये इसका नेगेटिव होता है और ये जो नीचे की हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा इसका पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारा बैटरी होता है ये हमारा ज़्यादातर 10 रुपये वाली टॉर्च जो आता है उसमें देखने को मिलता है और जो छोटे छोटे खिलौना होता है उसमें भी देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो बैटरी आप देख रहे हैं इसको तो शायद आपने जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा 1.5 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा नॉन रिचार्जेबल बैटरी है। अगर इसका चार्ज एक बार ख़त्म हो जाता है तो आप इसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हो और इसको आपको फेंकना पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा यूज एंड थ्रो टाइप का बैटरी होता है। और ये देख लीजिए ये वाला भाग इसका नेगेटिव होता है और ये वाला भाग इसका पॉजिटिव होता है। तो ये बैटरी हमारा ज़्यादातर रिमोट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा टीवी का और हमारा सेट टॉप बॉक्स का और हमारा जो छोटे छोटे बच्चों की खिलौना कार आता है रिमोट कार, उसके रिमोट में भी ये आपको मिल जाएगा। और जो खिलौना कार होता है जो हमारा बैटरी कार उसके अंदर भी ये आपको बैटरी मिल जाएगा। और दोस्तों ये मैंने एक 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ, इसको हम लैपटॉप बैटरी भी बोलते हैं क्योंकि ये बैटरी हमारा ज़्यादातर लैपटॉप में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला साइड इसका पॉजिटिव होता है और ये वाला साइड इसका नेगेटिव होता है। तो दोस्तों ये बैटरी को भी हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारा रिचार्जेबल होता है, अगर इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको रिचार्ज करने के लिए इसका मॉड्यूल आता है। अगर आप इसको ऐसे मोबाइल चार्जर से रिचार्ज करोगे तो ये बैटरी फटने के भी चांस रहता है, ख़राब हो सकती है। तो ये इसका एक बैड फीचर है, लेकिन और बाकी का सब कुछ फीचर इसका अच्छा है, जैसे कि इसका बैकअप अच्छा है। अगर आप इसको कोई भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करोगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बैकअप देता है और ये हमारा आसानी से 4-5 साल चल जाता है। तो ये कुछ इसका अच्छा फीचर होता है, लेकिन सिर्फ चार्जिंग इसका बुरा फीचर है। और इसको आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो BMS मॉड्यूल का इस्तेमाल कीजिए, अगर BMS मॉड्यूल को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये बैटरी आपके लिए बम टाइप का होगा, यानी कि कभी भी ये फट सकता है। और दोस्तों अभी मैंने दो मोबाइल बैटरी ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये बैटरी हमारा रिचार्जेबल बैटरी होता है क्योंकि हम इसको अपनी मोबाइल फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और ये हमारा लिथियम आयन बैटरी होता है, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा वीवो मोबाइल का बैटरी है। तो हमारा जो मोबाइल में ज़्यादातर देखने को मिलता है 3 टर्मिनल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसमें 5 टर्मिनल दिया गया है। तो बाकी का जो 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल है वो क्यों है मैं आपको किसी अलग की वीडियो में बता दूँगा, इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिए ये जो साइड का टर्मिनल होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है ये साइड, और ये साइड हमारा नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों साइड का होते हैं और बाकी का 3 हमारा अलग काम के लिए होता है। तो ये जो बैटरी देख रहे हैं ये हमारा जियो फोन की बैटरी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर LYF लिखा गया है और इसमें हमारा 3 टर्मिनल है, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये वाला साइड हमारा पॉजिटिव है और ये वाला साइड नेगेटिव है और बीच वाला अलग काम के लिए है। तो ये दोनों हमारा लिथियम आयन बैटरी आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों इसके बाद मैंने लीड एसिड बैटरी ले रहा हूँ, ये हमारा 4 वोल्ट 0.3 एम्पियर की है, ये हमारा रिचार्जेबल बैटरी होता है। तो ये बैटरी का अगर चार्ज ख़त्म हो जाता है तो इसको हम आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल चार्जर से इसको रिचार्ज कर सकते हो या फिर इसका चार्जर होता है उससे भी चार्ज कर सकते हो। अगर इसका चार्जर बनाना चाहते हो
तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो ये वाली पॉइंट जो देख रहे हैं ये इसका पॉजिटिव होता है और ये वाली पॉइंट इसका नेगेटिव होता है। तो ये बैटरी हमारा ज़्यादातर LED टॉर्च जो आता है उसके अंदर मिल जाएगा, या फिर हमारा जो फ्लैश लाइट होता है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा छोटा बैटरी है तो ये आपको छोटे टॉर्च के अंदर मिलेगा, अगर बड़ा बैटरी होगा तो बड़े टॉर्च के अंदर मिलेगा। तो इसी प्रकार की मैंने एक और बैटरी ले रहा हूँ, ये भी हमारा लीड एसिड बैटरी है, लेकिन ये हमारा 1 एम्पियर की है। वोल्टेज सेम है, देख सकते हो 4 वोल्ट की है, लेकिन एम्पियर ज़्यादा है। तो ये भी हमारा रिचार्जेबल होता है, तो इसका भी चार्जर सेम है, ये दोनों का चार्जर एक होता है। और इसका चार्जर बनाने का वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। आप इसको मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लीड एसिड बैटरी होता है। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी हमारा लीड एसिड बैटरी है, ये भी 4 वोल्ट की है, लेकिन एम्पियर ज़्यादा है, 4.5 एम्पियर की है। और ये इसका पॉजिटिव होता है और ये इसका नेगेटिव होता है। तो इसको आप आसानी से मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो मोबाइल चार्जर से ये हमारा बहुत आसानी से चार्ज हो जाता है, लेकिन ये बैटरी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है। जो हमारा बड़े बड़े किसानों की टॉर्च आता है उसके अंदर ये बैटरी आपको मिल जाएगा, जो हमारा ज़्यादा फोकस की लाइट होता है उसके अंदर ये बैटरी हमारा आता है, और जो बड़े बड़े लाइट होता है उसके अंदर ये बैटरी आपको मिलेगा। तो ये बैटरी भी हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने अभी रख देता हूँ। और ये देख लीजिए, ये जो दो बैटरी देख रहे हैं इसको भी आप शायद जानते होंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा 9 वोल्ट की बैटरी होता है और इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, अगर ये हमारा चार्ज ख़त्म हो जाता है तो इसको हमें फेंकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको चार्ज करके दिखाते हैं, लेकिन ये हमारा चार्ज नहीं होता है। अगर होता है तो 2-3 मिनट के लिए हो जाता है, उसके बाद फिर ये हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा 9 वोल्ट की बैटरी आप लोग देख सकते हो, इन दोनों की कंपनी अलग है लेकिन बैटरी सेम होता है। ये हमारा नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है, तो इसको भी मैंने अभी रख देता हूँ। और दोस्तों हमारा जो लास्ट बैटरी है वो हमारा 12 वोल्ट की 7 एम्पियर की है, आप लोग देख सकते हो, एमरॉन कंपनी का है। इसमें आपको वारंटी मिलता है 15 मंथ्स की। और ये देख लीजिए, ये जो ब्लैक वाली हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा नेगेटिव है और रेड कलर की हमारा पॉजिटिव है। तो इसका चार्जिंग वगैरह की डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो, आपके पास चार्जर नहीं है, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये हमारा चार्ज होता है, बहुत आसानी से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और ये बैटरी हमारा ज़्यादातर जो हमारा छोटे छोटे इन्वर्टर वगैरह आता है, जो हमारा 1500-2000 में मिल जाता है, उसी इन्वर्टर में ये आपको मिल जाएगा, जो हमारा CFL इन्वर्टर होता है। और ये हमारा बहुत सारे बाइक में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बाइक बैटरी भी बोलते हैं, इन्वर्टर बैटरी भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की बैटरी होता है, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये बैटरी वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोज आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।